जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई, अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के फैन हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इस समय बहुत नाराजगी होगी, और उस नाराजगी के होने की पूरी पूरी वजह भी। वजह क्या है? वजह दरअसल ये है कि क्रिकेट जगत में अगर हम एक सबसे बड़ी राइवलरी की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान एक ऐसी राइवलरी है जो कि हर कोई देखना चाहता है, हर कोई चाहता है उसको विटनेस करना कि यार भारत पाकिस्तान की क्या राइवलरी है। ये एक ऐसा मैच है जिसको कि आईसीसी हो या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट हो, वहां पर भारत पाकिस्तान का यदि मैच पॉसिबल है तो उसको बिल्कुल रखा जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देने वाला मैच होता है। तो ऐसे में कोई भी टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के बिना अधूरा है। ऐसे में इस साल जब एशिया कप की बात होना शुरू हुई, तभी से लगातार एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि इस बार का एशिया कप होना पाकिस्तान में। भारत पहले ही कह चुका है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान खेलने के लिए जाने नहीं वाला है। तो ऐसे में काफी सारी बातचीत का दौर चल रहा था। इस बातचीत के दौर में एक बात निकल कर पता चली कि भैया एशिया कप हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन भारत के जो पूरे मैचेस हैं वो दूसरे देश पे होंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान ने पहले तो काफी आपत्ति जताई, लेकिन फिर उसके बाद उसने यूएई का ऑप्शन दे दिया कि भैया वहां मैचेस करा लीजिए, लेकिन भारत वहां के लिए भी तैयार नहीं हुआ। आखिर में एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष जय शाह हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया, उन्होंने इस बात के ऊपर मोहर लगाई कि भैया बाकी के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान से हटकर श्रीलंका में खेले जाएंगे। अब भारत कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं एक मोटे तौर पर आर्थिक चोट भी देना चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे फैसले में एक डोमिनेटिंग फैक्टर वो भी था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत पाकिस्तान मैच की काफी ज्यादा जरूरत थी। एशिया कप उसके यहाँ होने वाला था, ऐसे में उसको उम्मीद थी कि उसकी अच्छी खासी मोटी कमाई होगी, लेकिन यहां पर जो समीकरण है वो बदलते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक भारत पाकिस्तान के मैच में सिर्फ टिकट्स की बिक्री नहीं होती, बल्कि टीवी एडवर्टाइजमेंट और टूरिज्म भी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर से जो एक आशंकाओं का बादल था वो हट गया, और पाकिस्तान को वहां पर खेलने से भारत ने सीधे तौर पर मना कर दिया। अब जबकि श्रीलंका मैचेस तय हो गए, तब भी पाकिस्तान ने कहा चलो ठीक है, राइट्स तो हमारे ही पास है, पैसा थोड़ा कम कमाएंगे पर कमा लेंगे। लेकिन यहां पर अब मुझे नहीं लगता कि अथॉरिटीज ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया होगा कि भैया श्रीलंका में इस समय मौसम कैसा है। मतलब आप देखिए, पाकिस्तान के अगर मैचेस की अगर हम बात ना भी करें तो भारत के तो लगभग लगभग सभी मैचेस में पानी गिरा है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान भारत का नेपाल से मैच हो। कल भारत पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ, 24 ओवर का मैच हुआ, उसके बाद वो हो नहीं पाया। आज की भी अगर हम बात करें तो आज रिजर्व डे है, लेकिन शुरुआती बारिश से हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी आप सोचें थोड़ा सा तो एक बात मन में आती है कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी तरीके से पैसा कमाए, और देखिए हो भी वही रहा है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंपनसेशन की तक मांग कर दी थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, यहां पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह निकल कर आती है कि आखिर पाकिस्तान अब करेगा क्या। इन सब के बीच में जय शाह को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया जा रहा है, थोड़ा उसकी नजर है तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, ट्विटर आज की तारीख में एक्स कहलाने जरूर लगा है, लेकिन काम इसके ऊपर अभी भी वही होते हैं जो पहले हुआ करते थे। यहां पर किंग ने ट्वीट किया है जय शाह की, खुद ही पढ़ लें आप लोग। यहां पर आप देखिए आज का वेदर और कल का वेदर, दोनों दिनों के वेदर यहां पर दिए हुए हैं कि बारिश की संभावना भरपूर है। मतलब रिजर्व डे का भी कोई मतलब सा नहीं है। यहां पर आप देखेंगे दिस इज शिटी एंड इनकॉम्पिटेंट डे, जय शाह इज द रीजन फॉर रूइनिंग दिस बिग टूर्नामेंट। क्या क्या लिख दिया भैया, गंदी गंदी भाषाएं लिख दी हैं। हाँ ये क्या है, अरे बाप रे नाचते हुए नहीं देख रहा। हाँ पूरे एशिया कप के एल लगवा के जय शाह लानत भाजी के घर बलू गालियां बक रहे हैं। मतलब यार आज तो सीधे गालियां बक रहे हैं ऐसे। जय शाह यहाँ पर फोटो लगा दिए गए हैं, बॉयज आफ्टर वॉशिंग आउट होल एशिया कप, एशिया कप का लोगो यहाँ पर बदल देना चाहिए। मतलब यही इस समय एक प्योर साइकी दिखाई दे रही है पब्लिक की। ये क्या है, आगे लगे चाहे बस्ती में जय शाह अपनी मस्ती में, देर इज नो होप ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच टुडे ऑल्सो, रिजर्व डे वाला मैच भी, इफ यू स्टिल डिफेंड दिस एंड बीसीसीआई यू आर नॉट अ क्रिकेट फैन। मैं लिटरली देखिए, मैं क्रिकेट का फैन हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन हाँ दिमाग में जो बातें आ रही हैं उनको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। यहाँ लिखा हुआ है एशिया कप श्रीलंका रिपीटेडली टोल्ड एसीसी अबाउट 90% पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन कैंडी ऑन मैच डे एंड सजेस्टेड टू शिफ्ट द मैच टू दम्बूला रिपोर्ट्स। बीसीसीआई इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग द हाई वोल्टेज मैच इन कैंडी डिस्पाइट रिपोर्ट्स दैट इट विल बी वॉश्ड आउट। तो यहाँ पर अब देखिए जो स्पेक्यूलेशंस आ रहे हैं
कि भैया बीसीसीआई ने यहाँ पर जानकर पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी स्ट्रेटेजी करी है, तो उसके ऊपर हम लोग बोल नहीं सकते ज़्यादा कुछ भी। देखिए वही रोहित शर्मा, फियर ऑफ फेलियर और जय शाह टू रुपीज ईगो, एशिया कप मैचेस लाइकली टू स्टे इन कोलंबो। क्या बोलो यार, जय शाह और मोटा भाई, बीसीसीआई प्लीज सस्पेंड द जय शाह। यहाँ पर जय शाह को पिटाई लगा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, लानत हो जय, बाप रे। मतलब देखिए लोग नाराज हैं, सीधी सी बात यही निकल कर सामने आ रही है। क्रेडिट कोर्ट्स टू जय शाह फॉर दिस। कुछ और हैशटैग्स भी ट्रेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं कि भारत वर्सेस पाकिस्तान भी चल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्या इन्होंने क्या कहा, आई बोल्ड अ बाउंसर टू हिट सचिन हेड, बॉल हिट हिम ऑन हेड एंड इट सीम्ड ही इज गोइंग टू डाई, ही डिडंट, आई अगेन हिट हिज हेड ऑन नेक्स्ट बॉल, आई वॉन्टेड हिम हर्ट एंड डाउन। क्या पाकिस्तानी सोच रही है। द प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड हैविंग अ लुक एट द पिच। ये 9 सेकंड पहले का आया है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 4 बजे, तो देखते हैं क्या होता है। एज द कवर्स आर बींग पील्ड ऑफ, पर कितनी देर के लिए, मुद्दा भी ये भी तो है। ये क्या हो रहा है भैया, क्रिकेट फैंस आफ्टर नोइंग इट विल बी मोर रेन टुडे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एट द कोलंबिया स्टेडियम। अच्छा ये जय शाह है और ये क्रिकेट फैंस। रेन हैज स्टॉप्ड इन कोलंबो, रेन हैज स्टार्टेड इन कोलंबो, रेन गॉड। अच्छा यहाँ पर लुका छुपी का खेल चल रहा है। गुड न्यूज, सन इज आउट इन कोलंबो, वी कैन एक्सपेक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल स्टार्ट एट 4:30। नॉट पॉसिबली। हारिस राव वॉज सीन कटिंग होली काउ यूजिंग हिज हैंड्स फ्यू मंथ्स अगो, टुडे रोहित शर्मा टारगेटेड हिम विद एग्रेशन ऑन द सेम हैंड एंड वॉर्न्ड हिम नेवर टू रिपीट द एक्शन अगेन, रोहित शर्मा वोंट फॉरगिव यू। अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या, ये तो बाबर आजम जैसा दिख रहा है। बाबर आजम इज इन डिप्रेशन एज हिज टीम डिडंट गॉट बैटिंग, मतलब कि उनको बैटिंग नहीं मिली इसलिए वो डिप्रेशन में। काउंटिंग द लानत, जय शाह रिसीविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर भी वही चल रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं जो कि इस समय निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कितने ज़्यादा नाराज हैं इस समय, जो पूरी की पूरी यहाँ पर कंडीशन बन रही है। अब देखिए ये स्पेकुलेशंस वाली बात हो सकती है कि भैया क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो स्थिति इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, उनको इस मैच के होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और क्योंकि ये मैच नहीं हो पा रहा है इसीलिए माना जा रहा है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाला काम हो सकता था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।